नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने हम सभी के काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है। पहले हम किसी कार्यक्रम को आमने सामने रहकर करते थे। इस दौरान विधायक गायत्री राजे पवार, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी उपस्थित थे। आज बताइए क्या मामला था और आज किसी ने बैठक में आते थे? आज माननीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें हम लोग आए थे। उनके निर्देश आगे के ग्राम हर गांव में क्या कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, कैसी योजनाओं का फायदा पहुंच पा रहा है, कोरोना के चलते लॉकडाउन का कितना पालन किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी उन्होंने सबसे ली और बहुत सारी बातों को शेयर किया। लॉकडाउन खोलने के लिए जैसे जैसे वक्त आता जाएगा, परिस्थिति देखते हुए माननीय मोदी जी डिसीजन लेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। ऐसी उसके बारे में कोई बातचीत तो नहीं की उन्होंने, पर जैसी परिस्थिति बनेगी वैसा हम तय करते जाएंगे। तीन पंचायत प्रदेश की पंचायत को इनाम देने की तीन से बात करी, पूरा क्या है वो? मैं लेट पहुंची, मैंने नहीं सुना वो, मैं नहीं सुन पाई। सम्मानित करा कुछ पंचायत, तीन पंचायतों मैं सुन नहीं पाई थी। पंचायती राज दिवस के लिए कुछ अपील? देवास की जनता से अपील है, लॉकडाउन का पालन करें। जैसा मैं हर फेसबुक लाइव पे भी बोलती हूँ, हर बार जो भी बोलती हूँ यही बोलती हूँ, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, यही एक तरीका है कोरोना से जीतने का। भाई साहब, पीएम मोदी जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, क्या दिशा निर्देश हमें मिले? प्रधानमंत्री जी ने देश के विभिन्न राज्यों के कुछ ग्राम प्रधानों से बात किया था और सभी को इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से दो गज की दूरी बना के रखना है। कोरोना का कोई इलाज नहीं है, उसका यही इलाज है कि हम लोग अपने घरों में रहें, अति आवश्यक कार्य हो तो घर से निकलें, जब घर से निकलें तो दो लोगों के बीच में दो गज की दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जो ग्राम प्रधान थे जिनके द्वारा अच्छे कार्य किए गए थे, उनकी प्रशंसा भी की गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। काढ़ा जो हमारे प्राचीन समय से ही एक औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है, उसको हमें अपने जीवन में वापस लाना पड़ेगा, काढ़े का सेवन करना पड़ेगा। और जब भी हम घर से निकलें तो फेस कवर लगाकर या फिर गमछा लगाकर ही निकलें। इस तरह की कुछ चर्चाएं वहां पर वीसी में हुई है। देवास सुरक्षा को लेकर किन अहम बिंदुओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं? देवास का प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और पूरी कोशिश है कि जिले में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश ना करे। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी कटिबद्धता के साथ जिले की सुरक्षा कर रही है। हमारा जिला, यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जिला आज भी बहुत बेहतर स्थिति में है। जो संख्या बाकी शहरों में जिस गति से बढ़ रही है, इस तरह से हमारे यहाँ पर कोई संख्या नहीं बढ़ रही है, पूरा मामला नियंत्रण में है। और 3 मई तक ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। कई लोगों को समय पर स्वास्थ्य मतलब इलाज नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट नर्सिंग हो रहे बंद है अधिकांश। इस संबंध में मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, आदरणीय राजमाता साहब ने इस मामले को उठाया था। राजमाता साहब के मार्गदर्शन में कल प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की एक मीटिंग यहाँ पर ली गई थी। उन्हें निर्देशित किया है कि वो रोज़ 3 घंटे अपनी OPD को खुला रखेंगे, जिससे कि कोरोना से भिन्न जो भी मरीज आते हैं उनका समुचित इलाज हो सके। तो मैं बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।